नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। भारत में माता पिता के बाद अगर किसी का स्थान आता है तो वह है हमारे गुरु। भारतीय सनातन परंपरा में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर बताया गया है, इसलिए हम प्रत्येक साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा त्यौहार मनाते हैं। पौराणिक मान्यता यह है कि इस दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ, इसलिए कई लोग इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। बता दें कि महर्षि वेदव्यास ने महत्वपूर्ण महाकाव्य महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, अठा पुराण के साथ ही वेदों का संकलन भी किया है। मान्यताओं के अनुसार वेदों का संकलन करने के कारण ही उनका नाम वेदव्यास पड़ा था। साथ ही यह भी कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास स्वयं भगवान विष्णु के रूप थे। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी पे।